वेलकम बैक, स्वागत है एक और नई वीडियो में। टंकी कर दी है फुल, संडे की शाम है। आज की राइड होने जा रही है टूवर्ड्स दोड्डबलापुर, यलंका से थोड़ा सा आगे। भगवान का धन्यवाद है कि इस बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम मिल गया आज। तो संडे की शाम में थोड़ा फ्री बैठे से सोचा दोस्त को मिल के आ जाता है, एक बहुत ही पुराने दोस्त को, बहुत ही अच्छे दोस्त को, और साथ में वीडियो भी बना लेंगे। ऐसे निकलने से पहले दोस्त से बात हुई, मैंने उससे पूछा कि भाई वीडियो बना सकता हूँ? उसने बोला जरूर बनाओ यार, तुम्हारे वीडियोस देख के मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं बोला क्या बात है, और ऐसे खाली खाली रोड देख के और भी ज्यादा मजा आता है यार। देखो सब कितने आराम से जा रहे हैं, गाड़ियों के बीच में इतना गैप है। देखो क्या मतलब होता है जब आप किसी पीछे घुस के चिपक चिपक के चलते हो। ये देखो आ गया एक, दिस इज रॉन्ग भाई, हम सब लाइन में जा रहे हैं, तुम्हें भी लाइन में आना चाहिए। क्या करते हो पांडे जी, गैप रखो भाई, गैप रखो। बाइक की चाल थोड़ी सी अलग लग रही है, पता नहीं हवा कम है या पंचर है, दिखाना पड़ेगा आगे, शायद आगे वाले में हवा कम है यार। आगे है पेट्रोल पंप और चेक करवाते हैं भाई आगे वाले इश्यू क्या है टायर में। अना गाली नोड़ता रहा, संडे की वजह से बंद है भाई, आगे जाके देखना पड़ेगा। लगता तो है कि पंचर है क्योंकि ऐसे हवा कभी जाती नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मशीनें है भाई। आज जिस भाई को मिलने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कैमरा शाही है, मतलब कि शर्माता है कैमरा के आगे आने से, बट भाई एक नंबर है यार, बहुत ही मोटिवेशनल बंदा है, बहुत ही इंस्पायरिंग बंदा है। सामने से हवा आ रही है इसलिए शायद आवाज मेरी थोड़ी कम आ रही होगी। जब गाड़ी के कंडीशन में डाउट है तो भाई आराम से चलाया करो, जैसे मैं चला रहा हूँ देखो 30-40। जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता कि बाइक एकदम सही है तब तक स्पीड नहीं करूँगा। कभी कभी पुराने दिन याद आते हैं जब मैं साइकिलिंग करता था पहले, 2-3 साल पुरानी बात है। हर संडे ना मैं उसके घर जाया करता था साइकिल पे, जब उसका घर था डोमलूर में, अपने घर से 8 किलोमीटर दूर। तो संडे की शाम जब हम फ्री होते थे, मिलते थे, मैं जाता था उनके घर पे और फिर हम दूसरे दोस्तों को बुलाते थे, उनके साथ हम इंदिरा नगर के अलग अलग रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करते थे, अलग अलग टाइप का खाना टेस्ट करते थे। हर संडे एक नई होटल, एक नई जगह, वो भी क्या दिन थे। आने वाला पल जाने वाला है और जो गया वो गया, आगे कुत्ता है भाई, ध्यान रखना अपना। पता नहीं उसने कौन सा ओला उबर बुक किया हुआ था, इसलिए ढूंढ रहा था सब गाड़ियों को, भगवान करे उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जब भी हमारे दोस्तों के ग्रुप में कोई बंदा टेंशन में होता था तो अपना भाई उसको पहले फ़ोन करता था, पहले फ़ोन करके उसको मोटिवेट करता था, उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालता था कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम इस प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल करो। उसने मेरे को भी बहुत बार हेल्प किया है, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है आपको माय डियर फ्रेंड प्रदीप, इसलिए हम उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं अपने ग्रुप में। ज़िंदगी का क्या भरोसा कब तक है, कल है या नहीं है, लेकिन अगर मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है तो भाई थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अभी भाई दूर रहने गया है और मैं भी साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ तो मिलना मुश्किल है, तो आज टाइम निकाल के सोचा उसको मिल लेते हैं। हेब्बाल पहुंच चुका हूँ, ये है हेब्बाल वाला फ्लाईओवर। ये गाड़ी बीच में रोक दी गई है तो स्लो डाउन भाई, इंडिकेटर पहले देने का, ऐसे जब कभी भी लेन चेंज करते हो तो इंडिकेटर पहले दिखा दो ताकि पीछे वाले को पता चल जाए कि कुछ आगे है। कुछ लोगों को रैश राइडिंग में मजा आता है ऐसे घुस घुस के जाने का, अपने को सेफली राइड करने में मजा आता है। जाओ भाई जाओ, यहाँ पे हम करेंगे साइड पे, ये एक बहुत बड़ा स्टॉप है हर चीज के लिए। जब ग्रुप राइड होती है तो यहाँ से लोग इकट्ठे होकर निकलते हैं, गाड़ियों का स्टॉप है यहाँ पे। पंचर अंगड़ी एलू आई था पकदल, सरी थैंक्स अण। ये देखो इसकी क्लैरिटी विदाउट द केस, मतलब कितना शार्प है, और जब ये केस डालता हूँ ना तो इसका जो ये मिरर है इस पर शायद थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए, इसके लिए इसकी क्लैरिटी जो है थोड़ी ख़राब हो जाती है। अब इसका केस मैं उसके ऊपर पहनाता हूँ और फिर आप देखो अब इसकी क्लैरिटी थोड़ी चेंज हो गई है। तो ये फंडा केस का है भाई। इस कैमरा की और एक बुरी बात है कि इसको रात के अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, जब अंधेरा हो जाता है तब ये कैमरा भी अंधा हो जाता है।
यहाँ पे एक बंदे से पूछा, उसने बताया कि यहाँ पे मिल जाएगा अपना सर्विस रोड पे पंक्चर शॉप, तो वहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा कि भाई मैटर क्या है। मेरी बीस्ट की रोटी हुई भाई हमसे, वो बोलता है नहीं भाई मेरे को चाय कॉफ़ी पूछा नहीं किसी ने, इसलिए मैं बुरा मान गया। तो भाई इसको चाय कॉफ़ी पूछना है, कोई पंचर शॉप आएगी तो उसको दिखाना है। इलेक्ट्रिक बस, ये अपनी इलेक्ट्रिक बस है DMTC। अब यहाँ पे ढूंढते हुए जाना पड़ेगा कि टायर कहाँ पे लटक रहे हैं। इस जगह पे बहुत सारे साउथ इंडियन होटल्स हैं, बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे खाने की खुशबू आ रही है। यहाँ पे दिख गए टायर और हम चेक करवाते हैं अपने बाइक का टायर। नोड बेकना पंचर इदिया गाली कमी इदिया ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳ ಇದು ಮುಂದೆ ಕಮ್ ಹೇ ಏಕ ಬಾರ್ ಡಾಲ್ಕೆ ದೇಖಿಯೇ ಪಂಚರ್ ಹೈ ಯಾ ಕಿಸ್ಸೆ ಫವಾ ಗಯಿ ಹೈ ಪಂಚರ್ ವಂಚರ್ ಕುಚ್ ನಹೀ ಬಸ್ ನಖರೆ ಹೈ ಮೇಡಮ್ ಕೆ ವಹಿ ಬತಾಯ ನಾ ಚಾಯ್ ಕಾಫಿ ನಹೀ ಪೂಚಿ ತೋ ಇಸ್ಕೊ ಅಬ್ ಚಾಯ್ ಕಾಫಿ ಪೂಚ್ ದಿ ಔರ್ ಚಾಯ್ ಪಿಲಾ ಭಿ ದಿ ಅಬ್ ಸಹಿ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ ಥೋಡಿ ನಾರಾಜ್ಗಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಅಪ್ನೋ ಸೆ ಚಲ್ತಾ ಹೈ अगर फ्लाईओवर से जाते तो फ्लाईओवर और आगे जाता, आगे जाके फिर पीछे आना पड़ता, यहाँ से डायरेक्टली लेफ्ट है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और अपना कैमरा अंधा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि जल्दी पहुँचे अपने भाई के पास। आगे लेफ्ट साइड में बस स्टॉप है, तो ये बस आएगी लेफ्ट साइड, तो हम इसके राइट साइड से होके जाएंगे। इंडिकेटर दिखाना है और आगे बढ़ना है। ये देखो ये भाई की बाइक है और यहाँ पे बहुत सारी जगह है खाने पीने के लिए। वहाँ पे सबवे भी है, मेरे को बहुत दिन से मन हो रहा था बर्गर खाने का, आज देखते हैं बर्गर खा लेंगे। यस मोटो ब्लॉगिंग, चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे खाए हमने बढ़िया से मोमोज, टेस्ट इतना बढ़िया था कि मैं वहाँ पे फोटो लेना भूल गया। अब भाई बोलता है और एक जगह पे ले जाएगा जहाँ पे बढ़िया सा हमको होली के खिलाएगा। होली के क्या होता है मैं बताता हूँ वीडियो में। ऐसी बाइक भगाता है कि यार इसको फॉलो करना कभी कभी हमारे बस की बात होती नहीं है। वो देखो कहाँ चला गया, क्या डेकोरेटेड रोड है यार। लाइटें देखो, पता नहीं कैमरा में कैसे दिख रही है लाइटें, बट लुकिंग सो अमेजिंग मैन। ज़्यादा इधर उधर मुंडी नहीं घुमा सकते वरना ट्रैफिक बोलेगी आ जा तुझे लाइटें दिखाएं। वो अंदर वहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक है, जो ब्लू कलर की लाइटें दिख रही है ना वो वाली, वो सारा का सारा साइकिलिंग ट्रैक है। यहाँ पे है जेंस द टाइटली, उसके पास होली के मने और बहुत सारी खाने पीने की जगह है। यहाँ पे गरम गरम भजिए और ये है होली के, साउथ इंडियन का बहुत ही फेमस डिश है, मिठाई है। पार्टी हो रही है पार्टी, ये होली के है। इट इज मेड फ्रॉम कोकोनट, कोवा ये अलग स्वीट है एंड उसके साथ भजिए। ये होली के बनता है, अंदर कोवा डालते हैं, कोवा कोवा मतलब आप समझते हो ना, मावा होता है मावा, मीठा मीठा, क्या टेस्ट था मैम, अमेजिंग। चलो भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम चल रहा है अपना, मोमोज खाए कोवा खाए उसके साथ भजिए, हाय हाय हाय। देखने वाले के मुंह में पानी आ गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आई एम सॉरी। एक और जगह भाई बोलता है घर जाके खाना तो नहीं खाएगा, मैं बोला हम संडे खाते भी नहीं हैं, बाहर इसलिए आए हो ताकि कुछ खा पी सके, कुछ नई नई जगह देख सके, यही तो अपना संडे होता है, संडे को यही तो चाहिए होता है अपने को। मैंने अभी ग्लव्स उतार दिए क्योंकि खाना पीना करेंगे बार बार, उतारना पहनना अच्छा नहीं लगेगा। सो बढ़िया रो, ओए होए क्या बात है, लगा लगा फिर से लगाओ, आय हाय अमेजिंग मैन। एडवेंचर बंदे को ये लाइटें ज़रूरी है, भाई जाता है बड़े बड़े एडवेंचर करने के लिए, तो लाइटें वाइटें तो ज़रूरी है भाई को। भाई खिला रहा है पकौड़े,
अच्छा नाइस, बट हमको तो पकोड़े दिख रहे हैं। लेट्स एंजॉय। एक और बढ़िया सा डिश हो गया। अब भाई ने लिए है कुछ पार्सल, तो भाई के घर जाएंगे, भाई के घर जाके कुछ खाएंगे। आज थारा भाई इतना खाएगा कि किसी ने सोची ना होगी। अब भाई अपना आइसक्रीम खिलाएगा। कितना खिलाओगे भाई? बढ़िया कुल्फी मिलता है। बढ़िया सा कुल्फी मिलता है। लेट्स ट्राई कुल्फी। किसमें डालेंगे? बैग में डालो। इतनी बड़ी शॉप है आइसक्रीम्स की। सारे फैमिली पैक्स, कोन्स और ये चॉकलेट्स, दही। नाइस। तो हम पहुंच गए हैं एनसीसी अर्बन। भाई का होम टूर मैंने पहले भी करवाया था एक वीडियो में, अगर आपने देखा या नहीं देखा वो वीडियो आई डोंट नो। यहाँ से ऐसे एंट्री मिलती है हमको, क्या बात है, रॉयल एंट्री है। मैं अपना बोरिया बिस्तर ले नहीं आया, वरना यहीं पे रुक जाता आज। दोनों बातें बातें कर लो, हालचाल पूछ लो अपना। मिले अपने स्पेशल मेहमान से। हाय हाय हाय, प्रॉपर बीस्ट है भाई। ये है अपने बड़े भाई की जान। ट्रैक। फाइव स्टार होटल में आ गए हम, आज यहीं पे ठहरने वाले हैं। वाह देखो नीचे स्विमिंग पूल। जब भी भाई के घर में पानी नहीं आता सीधा यहाँ से जंप मारता है मेरा भाई। नहीं नहीं, हाँ दो दो है ना। व्हाट अ व्यू मैन। एक में कूद के ना दूसरे में जंप लगाना। अच्छा ओके, तो ये एक चैलेंजिंग होता है यहाँ पे। रोहित शेट्टी आते हैं अपने इस तरफ है ना, पूरा जंगल है और यहाँ पे मिरर है भाई, हम दिख रहे हैं। हाय। बढ़िया है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। हाँ जब ऑफ रोडिंग करोगे ना और भी मजा आएगा। चलो ये भी एक टारगेट रख लेते हैं। हाँ कभी साइकिलिंग करेंगे। अगली बार जब आऊंगा साइकिल लेके आऊंगा अपनी और ये वाली राइड करूंगा। ओके सो हियर वी गो। यहाँ पे खड़ी है अपनी खूबसूरत सी बीस्ट। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना गाइस। मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन भाई के घर की पार्किंग किसी सुपर मॉल से कम नहीं है। सो मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, टेक केयर। वीडियो को करते हैं एंड। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।